जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स राधे राधे कैसे हैं आप सभी और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में शकर चौथ की पूजा सरल विधि से कैसे करें तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स शकर चौथ की पूजा माँ अपनी संतान की लंबी उम्र उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूजन करती कि हैं फ्रेंड्स पूजा के लिए सबसे पहले तो हम जगह का चयन करेंगे कि हम पूजा किस जगह पे करेंगे आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं तो अगर आप अलग से चौकी लगा कर पूजा कर रहे हैं तो उस जगह को अच्छे से साफ़ कर ले उस पर चौकी या कोई पाटा बिछा आप उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें इसमें मुख्य रूप से गणेश जी की ही पूजन की जाती है तो हम गणेश जी की कोई फोटो या मूर्ति हो हमारे पास तो हम उन्हें स्थान ग्रहण कराएंगे। अब हम सभी चीज़ों को जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे दीपक आप घी की भी दीपक इसमें जला सकते हैं या आप तिली का तेल का भी दीपक इसमें जला सकते हैं इसके बाद एक हम जल से भरा हुआ लोटा ले लेंगे और लोटे के कण पे मौली बांध दें इसके बाद जल में हमें थोड़े से तिल और गुड़ डालना है क्योंकि शकर चौथ के दिन तिल और गुड़ का ही विशेष महत्व होता है इसके बाद अब हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे तो इन्हें हम रोरी के तिलक करेंगे गणेश जी को हमेशा रोरी और हल्दी के ही तिलक लगाए जाते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें लोटे में भी इस तरह से तिलक लगा देने हैं आप चाहें तो आप लोटे पर स्वास्तिक बना सकते हैं उसके बाद दीपक में भी हम तिलक लगा देंगे वस्त्र स्वरूप हम गणेश जी को जिन्हें धारण कराएंगे आप इन्हें वस्त्र भी धारण करा सकते हैं या आप इन्हें कलाबा का भी वस्त्र धारण करा सकते हैं इसके बाद हम गणेश जी को दूध अर्पित करेंगे गणेश जी को सबसे प्रिय भोग दूध ही होता है तो दूध इन्हें जरूर अर्पित करें उसके बाद हम इन्हें फूल अर्पित करेंगे फूल अर्पित करने के बाद अब इन्हें हम भोग अर्पित करेंगे तो भोग में तिल का लड्डू का हम यहाँ पे भोग लगा रहे हैं क्योंकि तिल का ही इस दिन विशेष महत्व होता है और तिल के ही लड्डू बनाए जाते हैं या आप तिल गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं या इनके पसंद का कुछ फल का भी भोग लगा सकते हैं इसके बाद सास के लिए बायना निकाली जाती है तो जो भी आप सास के लिए बायना निकाल रहे हैं वो पूजा स्थान पर ही रख दें इसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे धूप दीप दिखाने के बाद सकर चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है तो कथा सुनने के लिए अपने हाथों में कुछ तिल और फूल लेकर हम सकर चौथ व्रत की कथा सुनेंगे कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा उसके बाद जो हमारे हाथ में तिल और फूल थे उसमें हम कुछ तिल गणेश जी को अर्पित कर देंगे और बचे हुए तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे उसके बाद हम गणेश जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे क्योंकि ये व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए की जाती है तो हम यहाँ पर गणेश जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और इनसे प्रार्थना करेंगे गणेश जी ये व्रत मैं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कर रही हूँ आप मेरे संतान को हमेशा सभी दुखों से दूर रखना और उनकी भविष्य को उज्ज्वल बनाए रखना इस तरह की हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे उसके बाद जो जल के लोटे आपने यहाँ पे रखे हैं वो हम चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत को हम संपन्न करेंगे और जो आपने सासू माँ के लिए वायना निकाले हैं वो आप सासू माँ को दे दें जल के लोटे जो आपने रखे हैं वो हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे जो यहाँ पे हमने फल फूल चढ़ाए हैं वो हम सभी घर परिवार में सभी को वितरण कर देंगे तो फ्रेंड्स ये जो व्रत है पूजा है कुछ जगह पर दिन में किया जाता है दिन में ही कथा सुन ली जाती है और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस पूजा को संपन्न किया जाता है कुछ जगह पर शाम के समय ही पूजा की जाती है और शाम के समय ही अर्घ दिया जाता है तो आपके यहाँ जिस तरह से होता हो आप अपने घर का रीति रिवाज देख लेंगे और पूजा की विधि इसी तरीके से होती है इसी तरह से गणेश जी की पूजा किया जाता है तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कथा की वीडियो मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा आप जरूर से एक बार चेक कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद